प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। सीएम ने घरेलू हिंसा को लेकर बैठक की और कहा कि घरेलू हिंसा चिंता का विषय है, सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में अभी 307 पर ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि 307 से बड़ी धारा बनाई जाए जिसमें सख्त सजा दी जाए। ऐसी घटना पर एक वेलफेयर स्कीम बनाना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 3 घटनाओं में 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही कहा हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी और ऐसी घटनाओं पर क्या कार्रवाई की गई इस बात की समीक्षा भी हर हफ्ते की जाएगी। अगर अंग भंग कोई करता है, पति करता है, तो मैंने कल भी कहा था वो विश्वास का खून है, रिश्तों का खून है, इसलिए उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। अभी 307 के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी झगड़े के कारण हाथ पैर कटे वो अलग बात है, और पति ही ले जाके काट दे वो तो जघन्यतम अपराध है। इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि 307 से बड़ी धारा का हम प्रावधान करें, और ऐसे मामले में ऐसी सजा हो के एक समाज में मैसेज जाए कि ऐसी घटना अगर किसी ने की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसी बहनों के लिए जिनका अंग भंग हो जाए, हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, पहली प्राथमिकता तो ये हो ही ना, उस पर भयंकरतम सजा। लेकिन अगर ऐसी घटना कोई घटती है तो एक वेलफेयर स्कीम इसके लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तीनों बहनों को देने का हमने फैसला किया है, लेकिन एक वेलफेयर स्कीम जिसमें उनकी ज़िंदगी ठीक से गुजर सके उसको बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है।